सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कायाकृति को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ घर पर एलोवेरा का तेल बनाने की विधि शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, एलोवेरा में ढेर सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगस गुण होता है। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर के रूप में भी काम करता है, इसीलिए ये हमारे बालों से जुड़ी हुई हर समस्या को दूर करता है। दोस्तों, अगर आपके बाल में डैंड्रफ की समस्या है, इचिंग की समस्या है, समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा बेजान लगने लगे हैं, तो आप एलोवेरा तेल का यूज जरूर करिए। ये आपके बालों से जुड़ी हुई हर समस्या को दूर करेगा और आपके बाल में नेचुरली शाइन लाएगा। तो देखते हैं इस तेल को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम एलोवेरा की लीफ को काट लेंगे। पौधे से काटने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से येलो जैसा लिक्विड निकल रहा, जो हमारे बालों और स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इरिटेशन पैदा कर सकता है, तो इसलिए आप इसे किसी बर्तन में उल्टा खड़ा करके छोड़ दें 10 मिनट के लिए, ताकि इसका येलो पार्ट सारा बाहर निकल जाए। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए उल्टा छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कितना सारा येलो पार्ट निकल चुका है। तो अब इसे हम धोकर साफ कर लेंगे अच्छे से। धोते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये साइड वाला कांटा आपको चुभे नहीं, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे धो लें। तो मैंने इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद इसके साइड के हिस्से को हम काट के हटा लेंगे, क्योंकि इसमें कांटा होता है, तो आप आराम से इसे कट कर लीजिए। दोनों साइड आपको कट करना है। ऐसे ही हम सारा कट कर लेंगे। इसके बाद इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे हम। तो इस तरह से मैंने सारा कट कर लिया है। अब इसे मैं पीस लूंगी। तेल को बनाने के लिए गैस पे मैंने एक बर्तन रखा है और उसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, जो मैंने अभी पीसा था। डेढ़ कटोरी मेरा एलोवेरा जेल है। तो इसमें हम डालेंगे एक कटोरी नारियल का तेल। नारियल तेल की जगह पे आप इसे ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें डालूंगी मैं 20 काली मिर्च के दाने। दोस्तों, काली मिर्च भी हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, समय से पहले सफ़ेद होने वाले बालों को रोकता है और बालों को काला बनाता है। तो मैं काली मिर्च को क्रश कर लूँगी। इसे क्रश कर लिया है, मैं इसे भी डाल दूँगी। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और एलोवेरा जेल ब्राउन ना हो जाए। आँच को बिल्कुल लो ही रखें, तेज नहीं करना है आपको, और इसे चलाते रहिए। दोस्तों, मुझे इस तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, इसलिए आप गैस को तेज मत करिएगा। और तेल को बनाने के लिए आप थोड़ा मोटा बर्तन का ही यूज़ करें, ताकि आपका तेल ना जले। नारियल तेल तो हमेशा से ही हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये बालों से जुड़ी हुई हर समस्या को दूर करता है। और एलोवेरा के तो फ़ायदे आप जानते ही हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि तेल का कलर चेंज हो रहा और एलोवेरा अलग हो रहा। तो अभी इसे हमें थोड़ी देर के लिए और पकाना है। इस तेल को पकते हुए 15 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जेल ब्राउन हो चुका है और ये तेल से अलग हो चुका है, तेल का कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप इसे गैस से हटा दीजिए, क्योंकि गैस गर्म है तो आपका तेल जल सकता है। दोस्तों, याद रखें कि अगर आपका बर्तन गर्म है तो आप इसे चलाते रहिए। तेल ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम छान लेंगे। तेल को छानने के लिए मैंने एक सूती के कपड़े का यूज़ किया है। अब इसमें तेल को छान लेंगे। तेल को स्टोर करके रखने के लिए आप एक शीशे के जार का यूज़ करिए और इसमें हम तेल को डाल लेंगे। एलोवेरा के तेल को आप स्टोर करके रख सकते हैं 6 मंथ के लिए। दोस्तों, शैम्पू करने से 2 घंटा पहले इस तेल को अपने बाल में अच्छी तरह से लगाइए और फिर शैम्पू कर लीजिए। आप चाहें तो इस तेल को रात में भी लगा सकते हैं और फिर अगले दिन शैम्पू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तेल को आप ज़रूर बनाइए और इसे अपने बालों में लगाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।